कार्मिक डेट नंबर्स क्या होते हैं? ये कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम कार्मिक डेट नंबर्स बोल देते हैं? क्या ये एक बहुत बड़ा हवा है कि अगर ये नंबर्स हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी डेट अगर इन चार डेट्स में से हैं, तो भैया तुम्हारे तो बैंड बज गए, क्योंकि वर्ड्स इतने हैवी है ना, कार्मिक डेट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यही बताने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि आखिर ये नंबर्स होते क्या हैं, क्यों बोलते हैं इनको कार्मिक डेट नंबर्स। तो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। कार्मिक डेट नंबर्स के बारे में आपने काफी सुना होगा, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उनके सामने ये वर्ड जरूर आया होगा, कार्मिक डेट नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? बेसिकली ये डेट्स हैं। कौन कौन सी? 13, 14, 16 और 19। ये चार ऐसी डेट्स हैं जिनको हम कार्मिक डेट नंबर्स बोलते हैं। क्यों? एक्चुअली भी कार्मिक का मतलब क्या हुआ? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि रीइंकार्नेशन होता है, हम पीछे से जो करके आते हैं उसका हिसाब यहां होता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो शायद कहीं ना कहीं ऐसी डेट्स लेकर आते हैं, और उन डेट्स की वजह से उनकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बट पॉइंट यहां पर यह है कि वो ही डेट्स उन्हें वो रिजल्ट्स, वो बेनिफिट दे सकती है कि अगर हमने उन डेट्स को कैसे भी करके बैलेंस कर दिया थ्रू द सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज। तो आप कार्मिक डेट वाली डेट पे पैदा ही क्यों ना हुए हो, आपको सक्सेसफुल होने में, आगे बढ़ने में जीवन में कोई नहीं रोक सकता। अब इन्हें कार्मिक डेट बोल क्यों देते हैं? क्योंकि इन डेट्स पे जब आपका जन्म हो जाता है तो आपके काम जो है ना वो बहुत रुक रुक के होते हैं, बहुत ज्यादा इमेंस हार्डवर्क डालना पड़ता है, तब जाके आपके काम होना शुरू होते हैं। तो चारों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ जो आज आपको रेमेडीज में देने वाला हूं, उन रेमेडीज को अगर आपने कर लिया, उन सॉल्यूशंस को दिमाग में बिठा लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला कार्मिक डेट नंबर कौन सा है? 13 नंबर। यानी कि अगर आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है, स्पेसिफिकली ना 4 की बात कर रहा हूं ना 22 की बात कर रहा हूं, मैं 13 डेट की बात कर रहा हूं, उस पर अगर आपका जन्म हुआ है तो आप कार्मिक डेट नंबर लेकर आए हो। ऑब्स्टेकल्स थोड़े रहेंगे लाइफ में, हर्डल्स आएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर रिजल्ट मिलेगा। यू मे फील लाइक रिजाइनिंग फ्रॉम मेकिंग एफर्ट्स फॉर द टारगेट। आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते बढ़ते इतने थक जाओगे, ऐसा महसूस होगा कि छोड़ो ना यार, ये फीलिंग्स आने लग जाएंगी। कुछ लोग होते हैं थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, कुछ रिजल्ट्स आने लगते हैं, उनको और मोटिवेशन मिलता है। आपके साथ क्या होगा? बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ शायद कुछ मिल रहा है, या बीच में आपको ये भी लगेगा कि यार छोड़ो यार मुझसे नहीं होगा। अज्यूमिंग इट नियर टू इम्पॉसिबल टू अचीव इन वन गो और एवर, मतलब आप अचीव ही नहीं कर पाओगे, ये दिमाग में आपके थॉट आने लग जाएगा कि यार मैं नहीं कर सकता, ना आज ना कल ना परसों ना कभी, ये थॉट्स आपके दिमाग में आने लगेंगे। नेगेटिविटी एंड लेजीनेस इतनी ज़्यादा हैवी हो जाएगी कि नहीं बॉस अपन नहीं कर पाएंगे, अपन से नहीं होगा, ये दिमाग में आ जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है, फोकस। आपको फोकस नहीं खोना, और ये मान के चलना है कि मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है लाइफ में। अगर मैं 13 तारीख को पैदा हुआ हूँ तो मुझे सोच लेना है कि मुझे दबा कर मेहनत करनी है, मुझे मेहनत के अलावा मेरी लाइफ में और कोई मंत्र नहीं होना चाहिए। मेहनत करता जाऊंगा, रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट से फिर मैं आगे एंजॉय करूंगा, परंतु अगर मैंने इस मेहनत को छोड़कर एंजॉय करने की कोशिश की तो मैं डाउनफॉल पे ही जाऊंगा, यही आपको सोच के आगे बढ़ना है। आपके लिए बेस्ट रेमेडीज क्या है कि वो जो पुराना जिसकी वजह से आप इस डेट पे पैदा हुए हो, वो कार्मिक, उसको कैसे, डेट को कैसे चुकाओगे,
उसके लिए बेस्ट रेमेडीज क्या है? बिकम रिलीजियस एंड फॉलो योर रिलीजन एंड रिचुअल्स। आप किसी भी रिलीजन के हो, अपने रिलीजन को मानो, उसके रिचुअल्स को फॉलो करो। ऑफर बनानास एंड स्वीट्स टू एल्डरली पीपल एंड इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे, उनको आप, वो खाएंगे नहीं ऑब्वियसली बात है क्योंकि बहुत छोटे हैं, उनको अलाउड नहीं होता, बट फिर भी केला थोड़ा सा मैश करके आप खिला सकते हो। एल्डरली जो बड़े लोग हैं, आपसे एज में बड़े हैं, उनको आप ये चीज़ दे सकते हो। फीड जैगरी टू द काउ ऑन थर्सडेज। गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन गुड़ गाय को खिलाओ अपने हाथों से। कोई सी भी गाय, काली गाय, सफ़ेद गाय, भूरी गाय, जो गाय आपको मिल जाए उसको आप थर्सडे के दिन गुड़ खिलाओ। ठीक है जी, तो ये था 13 नंबर के बारे में। अब बात करते हैं 14। अगर आपका जन्म 14 तारीख को हुआ है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? दिस कार्मिक नंबर इंट्रोड्यूसेस सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन डिफरेंट रेस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के अलग अलग पड़ाव पे कुछ अचानक से कुछ चीज़ें हो जाएंगी जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी। कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है, न्यूमरोलॉजी कहती है कि आपने अपनी इंडिपेंडेंस का कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में गलत इस्तेमाल किया था, जिसके कारण आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड रॉन्ग चीज़ें आ जाती हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा होने लगेंगी अगर आप गलत चीज़ों में, इल्लीगल चीज़ों में, गलत एडिक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा चले जाओगे तो इसका इफेक्ट, इस कार्मिक नंबर का इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। सो सॉल्यूशन क्या है? यू नीड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो आप जीत गए, आप निकल जाओगे इस कार्मिक डेक नंबर का, आप पे इम्पैक्ट मिनिमम होगा। पर अगर आपने वहीं पे अपना कंट्रोल खो दिया तो प्रॉब्लम्स में घिरे रहोगे हमेशा। भले ही 14 नंबर है, ड्राइवर नंबर 5 बन रहा है आपका, पर फिर भी क्योंकि 14 नंबर पे आप आए हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है? कमिटमेंट। सेल्फ कंट्रोल के साथ क्या है? कमिटमेंट आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। एक चीज़ के प्रति आपने अगर कमिटमेंट कर दी तो फिर आप अपने आप की भी मत सुनना। कहने का यह मतलब है कि अगर आपने कमिटमेंट कर दी है तो उसको पूरा करें, चाहे वो दूसरे से हो, चाहे वो अपने आप से हो, कि मुझे ये करना है लाइफ के अंदर, ये चीज़ करनी है, इसके लिए मुझे हार्डवर्क करना है। फोकस होके आप करोगे तो आपको इस नंबर के नेगेटिव इफेक्ट्स से आप पूरी तरीके से अपने आप को बचा लोगे। और रेमेडीज़ क्या कर सकते हो आप? गिव फूड टू ब्लैक एंट्स एंड फिशेस। कुछ खाने के लिए काली चींटियां और मछलियों को दाना डालो। रीड दुर्गा चालीसा और एनी माँ दुर्गा पाठ डेली। या तो दुर्गा चालीसा या और कोई भी पाठ अगर आप जानते हो, करते हो, वो आप डेली करो। अवॉइड एल्कोहल, नॉनवेज एंड ड्रग्स। नेवर चीट समवंस मनी। किसी का पैसा मत खाना। गलत तरीके से अगर आपने खा लिया, कर लिया, भाई साहब बैंड बज जाएगी। ये 14 नंबर जो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स दे सकता है, वो आपको ज़बरदस्त नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। नाउ नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट कार्मिक डेट नंबर कौन सा है? नंबर 16। अगर आपका 16th का जन्म है किसी भी महीने की, तो ये भी एक कार्मिक डेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 16 तारीख का अगर आपका जन्म है ना, तो आपको पता है एक ही चीज़ ध्यान में रखनी, अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना। अगर आपने अपने कैरेक्टर को संभाल लिया, आप जीत में रहोगे। कैरेक्टर का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ ऑपोजिट जेंडर के टुवर्ड्स उसको कंट्रोल में करो, नहीं। कैरेक्टर, पूरा कैरेक्टर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, कुछ गलत नहीं बोलना, किसी के लिए गलत नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके कोई रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव चलना है, कैरेक्टर को संभालना है, तब जाकर आप इस नंबर के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उससे अपने आप को बचा सकते हो। क्योंकि व्यक्ति गलत काम कब करता है? जब वो बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाता है। उसका ईगो ये कहता है, नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो यहाँ पर आपका ईगो भी कंट्रोल में रहना बहुत आवश्यक है। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब रेमेडीज़ क्या कर सकते हो आप इसके लिए? फीड जैगरी टू मंकीज़ वंस अ मंथ।
महीने में एक बार बंदरों को गुड़ खिलाओ, डेली केसर का तिलक लगाओ, केसर आती है खाने वाली, एक कटोरी ले लो पानी डालो उसमें, केसर आती है एक दो पत्ती उसमें डालो, उसको ऐसे मिला लो और उस पानी को ही चाहे हल्का सा पानी, मतलब बहुत कम डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, हल्का सा पानी उसको मिक्स करो, लिया अपना हल्का सा लगा दो, चाहे वो दिखे ना पर आपको पता है कि वो आपने केसर का तिलक लगाया हुआ है, उसकी वो स्मेल, उसके वो जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। एंड डोनेट अ ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट टू टेम्पल ऑन फ्राइडे, काला और सफ़ेद मिक्स भी कर सकते हो, अलग अलग भी दो करके आप फ्राइडे को मंदिर में गुरुद्वारे में, आप मुस्लिम धर्म से हैं अपने मदरसे में या दरगाह पर, वहाँ डोनेट कर सकते हो, क्रिश्चियन है तो चर्च में दे सकते हो। अब बात करते हैं 19 नंबर की, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को हुआ है तो ये भी एक कार्मिक डेट नंबर को डिनोट करता है। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त माना जाता है वैसे, सूर्य सेनापति, 1 राजा है 9 सेनापति है, कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त हो सकता है, परंतु पता है क्या प्रॉब्लम है, ये भी बहुत ईगो वाला व्यक्ति कि यार मैं सेनापति हूँ, मैं जंग लड़ता हूँ, राजा का ये है कि भाई मैं हूँ मेन, तो मेरी चलती है, तो यहाँ पर जब ये 7 आ जाते हैं ना तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ईगोस का, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की एडवाइस या दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी फीलिंग्स की, उनके थॉट्स की, उनके इमोशंस की, दूसरों के इन चीज़ों की उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, वो अपने आप को ही मेन समझता है कि मैं हूँ जी, और कोई नहीं है मेरे सामने। तो ऐसे व्यक्ति को, अगर आपका 19 तारीख को हुआ है तो समझ गए आप करना क्या है, आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, अपने आप को नीचा समझो, दूसरों को ऊंचा, कि हाँ यार ये मेरे से बड़े हैं, इनकी बात पहले सुनूंगा। अगर आपने अपने ईगो को कंट्रोल कर लिया और दूसरों को इज्जत देना आपने सीख लिया तो ये 19 नंबर आपको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा ही देगा। दूसरों की बात सुनो, दूसरों के साथ समन्वय बिठा के चलो, कोहेसिवनेस होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो टीम वर्क होना चाहिए, तब जाकर आप इस नंबर के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उससे बचा सकते हो अपने आप को। अब सिर्फ रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ क्या कहती हैं, रेस्पेक्टिंग योर फादर एंड फादर फिगर्स, मतलब पिता का हमेशा रेस्पेक्ट करना है, और आपके पिता समान जो लोग हैं, गुरु समान जो लोग हैं, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना है। आउट एंड आउट ये समझ लीजिए कि जो आपके एल्डरली लोग हैं और नीचे छोटे भी हैं उनका भी, सबका रिस्पेक्ट करना है। रेस्पेक्ट योर कंट्रीज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, क्यों, प्रेसिडेंट क्या है, राजा है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, सेनापति है। देखिए आप औहदे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उन व्यक्ति की नहीं, आपको हो सकता है कि उससे वो नहीं समझ में आता हो, पर अगर आप रेस्पेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपने राजा और सेनापति दोनों की रिस्पेक्ट करी, तो वहां पर आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा क्योंकि आप उस पर्टिकुलर औहदे की रिस्पेक्ट कर रहे हो। पे टैक्सेस ऑनेस्टली, क्लेनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टैक्सेस जो आपके बनते हैं उसकी चोरी मत करो कभी, क्योंकि देखो मैं बार बार कंट्री, प्राइम मिनिस्टर, टैक्सेस की बातें क्यों हो रही है, बार बार बता रहा हूँ, 1 राजा है 9 सेनापति है, ये एक तरीके से कंट्री को डिनोट कर रहे हैं हमारी, आज के परोपेक्ष में देखेंगे ना, हम पुराने ज़माने में नहीं जी रहे, हम आज के परोपेक्ष में देखेंगे, तो यहाँ कंट्री आ गई, तो टैक्सेस पे करो, क्लेनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, साफ सुथरे रहो, रात को सोने से पहले ब्रश करके सो, गिव मेडिसिन टू द नीडी पीपल, तो अगर कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है, वैसे तो गवर्नमेंट आजकल सब दे रही है फ्री में और बहुत कम प्राइस में, पर फिर भी आप अपनी तरफ से भी ऐसे लोगों को मुहैया करा सकते हो, जहाँ पर लोगों का इलाज होता हो वहाँ आप उनको दे दो मेडिसिन वगैरह, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कार्मिक डेट नंबर 19 की। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ पूछना है करना है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ इसी वक्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट, हरे कृष्ण।